Today I am going to give answers of multiple choice questions which has been asked in Jharkhand Academic Council's annual secondary examination 2022. आज मैं आप सभी के लिए प्रश्न और उत्तर प्रश्नोत्तर लेकर आया हूँ, जिसमें से अंग्रेजी विषय जो 20 अप्रैल 2022 को संपन्न हुई है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 से लेकर 40 तक प्रश्न पूछे गए हैं। आइए 1 से लेकर 40 तक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आप सभी प्रश्न और उत्तर दोनों को मिलान करके देखकर पता करें कि आपने कितना हल कर पाया है। शुभकामनाएं। सब्जेक्ट इंग्लिश एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 झारखंड अधिविद परिषद झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची डेट 20 अप्रैल 2022। आइए आज एनुअल सेकेंडरी एग्जाम 2022 में अंग्रेजी विषय के लिए पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रश्न और उत्तर हम सभी करने का प्रयास करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर क्या हैं, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। कल्पना चावला वाज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन एट केरला करनाल ऑन 1 जुलाई 1961। इट इज इन हरियाणा इंडिया इन 1970। इस प्रकार से यह एक पैसेज दिया गया है जो पढ़ने से पता चल गया है कि दिस पैसेज इज बेस्ड ऑन द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कल्पना चावला। इसका पूरा पढ़ने के बाद आइए हम सभी क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि पैसेज से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, दिस पैसेज इज अबाउट टैगोर स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज कल्पना चावला नन ऑफ दिस। तो पैसेज को पढ़ने से पता चल चुका है कि दिस पैसेज इज रिलेटेड टू कल्पना चावला, इसलिए पहले का होगा कल्पना चावला। पहले प्रश्न दिस पैसेज अबाउट कल्पना चावला, पहला का दूसरा। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, करनाल इज ए स्मॉल टाउन इन हरियाणा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज करनाल एक छोटा सा शहर है जो हरियाणा में है, इसलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा पहला। इसी पैसेज में भी आप देख सकते हैं हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट इन 1997। वह अंतरिक्ष यात्री अनेक वह एस्ट्रोनॉट बनी है 1997 में। देख सकते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉट 19 नवंबर 1997। दिस इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 होगा। हर क्वेश्चन नंबर 4, हर फर्स्ट फ्लाइट वाज फॉर 15 डेज। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हर फर्स्ट फ्लाइट वाज फॉर 15 डेज। उनकी प्रथम जो उड़ान थी, प्रथम जो उड़ान की यात्रा थी वह 15 दिनों के लिए थी। आगे क्वेश्चन नंबर 5, एस्ट्रोनॉट इज ए पर्सन हु, देख सकते हैं ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देर आर 4 ऑप्शन, नाउ वी हैव टू सिलेक्ट एनी वन। एस्ट्रोनॉट इज ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट वह उसे कहा जाता है जो कि अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं अथवा अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ यू हैव बीन गिवन एन अनदर पैसेज, जस्ट यू हैव टू रीड आउट द पैसेज एंड यू हैव टू गिव आंसर। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखेंगे पैसेज नंबर 2 है, तो इस पैसेज को पढ़ लेते हैं हल्का सा। प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज। तो इसको पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आइए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। जो यह गद्यांश दिया गया है उसका एक सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है? एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, अर्थ लाइफ, प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए राइट आंसर इज रिलेटेड, दिस पैसेज रिलेटेड टू प्लास्टिक, दैट्स व्हाई सुटेबल टाइटल विल बी प्लास्टिक पोल्यूशन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ वी हैव टू गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर। पढ़ने के बाद पता चल चुका है अध्ययन के बाद, इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज।
यह सस्ता होता है और इस्तेमाल करने में बहुत सुविधाजनक होता है. प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर पीपल एनिमल्स प्लांट्स ऑल ऑफ दिस. प्लास्टिक सभी के लिए हानिकारक होते हैं इसलिए उपयुक्त में सभी होगा. व्हाट शुड बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज. द बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स. प्लास्टिक जो है उसके बुरे प्रभाव के बारे में हम सभी को सावधान रहना चाहिए अथवा हमें जानकारी होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. 10 में देख लेते हैं. द अपोजिट ऑफ हार्मलेस इज हार्मफुल. अपोजिट हार्मलेस जो हानिकारक नहीं है. अपोजिट क्या है जो हार्मफुल यानी हानिकारक है. इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 राइट ऑप्शन इज पॉइंट ऑप्शन नंबर 2. नाउ सेक्शन बी ग्रामर 10 मार्क्स. आइए ग्रामर का हल करते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आर यू राइटिंग अ लेटर. क्वेश्चन नंबर 11 आर यू राइटिंग अ लेटर. दिस सेंटेंस इज इन. पूरा का अध्ययन करें तो यह कौन सा वाक्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. क्वेश्चन नंबर 11 राइट ऑप्शन इज राइट आंसर इज पॉइंट नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2. सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. 12 क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर स्पीक्स होगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और प्रेजेंट टेंस में है. दे डांस वेल. दे कैन डांस वेल. ये मॉडल से प्रश्न आए हैं. इसका राइट आंसर 13 का 1 होगा. 14 गॉड मे हैव मर्सी ओनली. ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसलिए हमेशा इसमें मे लगेगा. ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग मे लगाते हैं क्योंकि ऑप्टेटिव साइन भी लगा हुआ है. इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 राइट ऑप्शन इज 4. सी आउट हर पेरेंट. आउट के बाद हमेशा 2 लगाते हैं तो मॉडल से प्रश्न है 15 का. सी आउट टू ओबे हर पेरेंट्स. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 इज इंजरियस टू हेल्थ. स्मोक नहीं होगा. टू स्मोकिंग नहीं होगा. नन ऑफ दिस नहीं होगा. स्मोकिंग होगा. यहाँ पे टू स्मोक रहता तो हो सकता था लेकिन क्या है स्मोकिंग है. नन फिनाइट से आया जिरंट से. चलिए स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. राइट क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. वॉइस आ रहा है जो कि आप सभी का पसंदीदा है और बहुत आप सभी हल करते हैं. पैसिव वॉइस ऑफ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इज. देख लेते हैं राइट आंसर इज बींग. इज रहने पे हमेशा इज बींग में ट्रांसफॉर्म होता है और कहीं आपको टच नहीं कर रहा है इसलिए हमारा राइट आंसर सीधा यहां जा रहा है क्योंकि यदि आप अनुभवी हैं और मेहनती हैं तो राइट आंसर तुरंत हम सभी सिलेक्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर इज फुटबॉल इज बींग प्लेड बाय बॉयज. दिस इज राइट आंसर. नेक्स्ट आई डोंट नो व्हाई सी इज क्राइंग. मुझे पता नहीं वह क्यों रो रही है. कैन यू टेल मी Who will teach us English? यह आया है आपका कनेक्टर भी कर सकते हैं हम लोग. अच्छा सेंटेंस कनेक्टर. Can you tell me who will teach us English? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अंग्रेजी हम सभी को कौन पढ़ाएंगे. तो who यहाँ पे एक नाउन की तरह आ रहा है इसलिए 19 क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. इन डायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम फाइन. He said that देख लेते हैं इसमें नहीं नहीं नहीं. He said that ठीक है ओके. He was fine. This is right answer. नरेशन का है ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. 20th क्वेश्चन नंबर राइट आंसर इज 4. सेक्शन सी लिटरेचर बुक्स. यानी यह प्रश्न जो आने वाले हैं सेक्शन सी में सब आपके पुस्तकों से लिए गए हैं. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. पढ़ लेते हैं एक राउंड हर किसी को. द पोमेंट ऑफ द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स. यह जो पैसेज लिया गया है चैप्टर नंबर 1 ये लेटर टू गॉड से लिया गया है जिसके लेखक जीएल फुंटेस हैं. आइए इनके प्रश्नों के उत्तर दें. हु रीड द लेटर. इस पत्र को किसने पढ़ा. पोस्टमास्टर. आप पढ़ चुके हैं स्टोरी को इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. Who is in this passage? इस passage में आई कौन है तो जो letter लिख रहा है Lencho. How much money did Lencho receive? उसने सिर्फ only he received 70 pesos. कहानी के अनुसार से Lencho ने 70 pesos सिर्फ प्राप्त किए थे. Find here from the passage which means dishonest person. Dishonest means crooks. A bunch of crooks. ठगों का समूह. इसे आप passage में भी दे सकते हैं. Bunch of crooks. That is bunch of crooks. क्वेश्चन नंबर 24 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट कम्स फ्रॉम नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, यह चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला से लिया गया है। आइए इनका राइट आंसर देखते हैं। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। इन हिज सब्जेक्ट वॉज एनी नॉट श्योर ऑफ पासिंग मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मेटेरियल्स, मैथमेटिक्स इज सब्जेक्ट इन हिज एनी नॉट वॉज नॉट श्योर ऑफ पासिंग। नेक्स्ट द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ सीगल, सीगल समुद्री पंछी के बारे में है, चैप्टर नंबर थ्री से लिया गया है। टू हिज फर्स्ट फ्लाइट से सीगल के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 27 राइट ऑप्शन इज 2। हिज कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे, ही कॉन्टेक्ट ऑन पेरिस, क्योंकि ऑप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में पायलट के बारे में जो कि पेरिस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरता है और कॉन्टेक्ट करता है DS-088 ब्लैक डेकोटा DS-088। क्वेश्चन नंबर 28 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। पोइट्री सेक्शन कविता पाठ, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर फ्लम डियर पास। पढ़ने से पता चल चुका है कि यह जो है आपके लिए पोयम ए टाइगर इन द जू से लिया गया है। आइए प्रश्न के उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हु हैज रिटन दिस लाइन्स, लेस्ली नॉरिस। 29 जो ए टाइगर इन द जू है उसको लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30 हु इज ही इन दिस लाइन्स, ही इज टाइगर। व्हाट डज प्लम्प मीन, प्लम्प मीन्स प्लम्प फिजिक फैट, तरोताजा मोटा प्लम्प, जो कि ए टाइगर इन द जू से लिया गया है। वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, ये कहानी पढ़ने से जो पैसेज आपको दिए गए हैं एक्सट्रैक्ट पोएम का वो जंगल में है क्योंकि लर्किंग दिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज सोरो, यह पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है उसे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर, जो बच्चे गेंद खेल रहे हैं उसकी गेंद ड्यू टू बाउंसिंग अगेन एंड अगेन द बॉल वेंट टू द वाटर, यानी कि जो वेयर हैज द बॉय लॉस्ट है, ही लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर। क्वेश्चन नंबर 34 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब सप्लीमेंट्री रीडर फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, उसका कुछ प्रश्नों के हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस, ट्रिकी के बीमारी जो है उनकी तबीयत जो खराब है उनका मूल कारण कौन है। मिस्ट्रेस पम्फ्री ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि सी वॉन्टेड टू फीड मोर एंड मोर अगेन एंड अगेन, वह ट्रिकी को बार बार और कई बार भोजन दे रही थी इसलिए उसके लिए दोषी है। हु इज मिस्ट्रेस पम्फ्री, ऑनर ऑफ द डॉग, मालकिन थी अपने डॉग का मालकिन। क्वेश्चन नंबर 36 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। 37 अकॉर्डिंग टू मिस्ट्रेस पम्फ्री ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, आपने कहानी में देख चुके हैं कि जब वह एक बार बहुत ही हाईली सीरियसली इल हो जाता है और मिस्ट्रेस पम्फ्री सोचती है कि नहीं खा रही है अच्छे पौष्टिक न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हैं इसलिए वो बीमार हो चुका है, इसलिए उसके अनुसार से अकॉर्डिंग टू मिस्ट्रेस पम्फ्री ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 37 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। हरी सिंह वाज अ राइटर, हरी सिंह देखते हैं क्लर्क है, राइटर है, डॉक्टर है, थीफ है, तो अकॉर्डिंग टू स्टोरी नंबर 2 द थीफ्स स्टोरी हिच हैज बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड की कहानी ये थीफ्स स्टोरी से लिया गया है। हरी सिंह वाज अ थीफ, हरी सिंह एक चोर था, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39 हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, अनिल थी द थीफ्स स्टोरी में अनिल कौन था, रेसलर, साइंटिस्ट, लॉक मेकर, मैगजीन राइटर, ही वाज अ मैगजीन राइटर। क्वेश्चन नंबर 39 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। हाउ ऑफन डिड द बॉय द थीफ चेंज हिज नेम, जो चोर है जिसे हम लोग हरी सिंह कहते हैं वह प्रायः अपना नाम कितने दिनों में बदल लेता है,
every day, every week, every month, every year. According to the story, he changes his name every month. प्रत्येक माह वह अपना नाम पुलिसों से बचने के लिए बदल लेता है. इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. प्रश्न संख्या 40, जो कि आपका आखिरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, उसके आखिरी प्रश्न प्रश्न संख्या 40 का आखिरी आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा. प्रश्न संख्या 40, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 40 तक हम सभी हल कर चुके हैं, और आप सभी भी मिलान कर लें, पता चल जाएगा कि आपने राइट आंसर कितना किया है. बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद. वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट वीडियो.